घरों में पड़ी दरारें, धसने लगी जमीन, टूटने लगे घर, जोशीमठ की तरह हो रहे हालात, पहले डोडा और अब रामबन, क्या आपका आशियाना सुरक्षित है? उन्हें 1.5 मीटर कटिंग करनी थी, इन्होंने 14 मीटर कटिंग पीछे की, जिसकी वजह से पहले बस्ती बचाई जा रही थी, अब बस्ती को पूरा उजाड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट तो हो रही है और कहीं ना कहीं अब उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं डोडा के ठाठी इलाके की और रामबन के रामसू इलाके की। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही ये तस्वीरें सामने आई थी और हमने भी वो न्यूज़ आपको बताई थी कि डोडा के ठाठी का जो नई बस्ती इलाका है वहाँ पर लोगों के घर जो है वो गिरने लगे हैं, दबने लगे हैं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें जो है वो पड़ गई है और पूरा इलाका वहाँ पर कहीं ना कहीं सदमे में है, दहशत में है कि कब हमारा मकान गिर जाएगा। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन लोगों को वहाँ से निकाला, सुरक्षित स्थानों पर लेकर गए और उस पूरे एरिया को जो है वो रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और अब की बात की जाए तो वहाँ आसपास के लोगों को जाने की पूरी मनाही कर दी गई है, वहाँ पर सुरक्षा बल भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी गाँव वाला इस जगह पर ना आए। लेकिन जिन लोगों के घर हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं और कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की जो तरक्की हो रही है इससे हमें क्या हासिल हो रहा है, बल्कि हमारा घर ही जो है वो ज़मींदोज़ हो रहा है। और अब जो तस्वीरें हैं वो रामबन के रामसू से आ रही है। साफ तौर पर वहाँ भी इसी तरीके के हालात जो है वो देखे जा रहे हैं। वहाँ के लोग भी गमज़दा है और उनके दिमाग और दिल में भी दहशत बैठी हुई है। उनका भी यही कहना है कि हमारे घर धराने पड़ चुकी है, वो भी ज़मीन जिस तरह से धस रही है। उनका भी ये कहना है कि जो रोड का नीचे काम हो रहा है, जो रोड का वाइडनिंग का काम किया जा रहा है, 4 लेनिंग का काम किया जा है, जिसकी वजह से हमारे घरों में दरारें पड़ चुकी है, क्योंकि पहाड़ जो है वो धीरे धीरे नीचे से कटता जा रहा है और जमीन नीचे दबती चली जा रही है, जिसकी वजह से 4 से 5 घर जो हैं वो अब खाली करा दिए गए हैं और उन्हें स्कूल है वहां पर, कोई एक सरकारी स्कूल है वहां पर रखा गया है, क्योंकि मार्च तक स्कूल वहां पर बंद है इसलिए वहां पर रहेंगे वो। लेकिन लोगों का यही कहना है कि हमने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा भी था, आगाह भी किया था कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं हमारे घर इसमें जो है वो टूट सकते हैं, उनमें दरारें हो सकती है, जो आपका प्लान है ये पूरा वो सही तरीके से नहीं है, अनप्लान्ड आप काम कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी इस बात के लिए सचेत किया था कि जो नीचे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है ये पहाड़ जो है पूरे तरीके से डैमेज हो सकता है, जिसका असर हमारे घरों पर भी पड़ सकता है। 1.5 मीटर कटिंग करनी थी, इन्होंने 14 मीटर कटिंग पीछे की, जिसकी वजह से पहले बस्ती बचाई जा रही थी, अब बस्ती को पूरा उजाड़ दिया है। और ये अभी पिछले दिनों अभी 28 और 29 की रात में एक ही दिन बारिश हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि पूरे मकान जो है बस्ती की बस्ती, ये कम से कम 15 से 20 घर यहाँ पर है, जो पूरी बस्ती और इतनी जमीनें हमारे पास है, 2-2 मरले, 1-1 मरला जमीन है, यही कुछ हमारे पास है, तो ये सारा पूरा खिसक कर नीचे पूरे मकानों में क्रैक्स पड़ गया। ये अफसोस की बात है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 15 से 20 ऐसे घर हैं जो बिल्कुल डेंजर जोन में है और जिनको शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भी ये पूरे एक वार्ड है, अगर देखा जाए पूरे एक वार्ड है जिसमें 500-600 लोग रह रहे हैं और उनको भी खतरा लाहक हो गया, क्योंकि ये इन मकानों को तो जाना ही जाना है, आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, सिंक हो गए। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि इसी एरिया में 400 लोग ऊपर रह रहे हैं जो पूरे रामसू रामसू अपर वार्ड है। अगर ज्यादा नहीं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका अलॉटमेंट किया जाए कुछ जहाँ भी जहाँ पे है, और मिलाकर जो कटिंग हमने की है अनप्लान कटिंग की है, कम से कम इसको सुधारें। उन्होंने मतलब अनप्लान हर चीज यहाँ पे अनप्लान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं, इन लोगों ने अपनी वो दादा गिरी करके रखी है यहाँ पे, और वैसा ही हुआ। और वहाँ के लोग अब यही डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो हमें दिया जाए, कुछ ना कुछ हमें कंपनसेट किया जाए, कुछ ऐसी जगह हमें दी जाए जहाँ पर हम रह सकें, क्योंकि यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, अब पहाड़ पूरे तरीके से टूट चुका है। और बात यही है, और लोग भी वहाँ से अपनी गुहार लगा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, लंबे ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी भी देखा जाए तो नेशनल हाईवे काफ़ी ज़्यादा और चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब इसका नुकसान भी साफ तौर पर उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जहां ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, जो भी रोड वाइंडिंग का काम किया जाता है, वो पहाड़ों पर ब्लास्ट किया जाता है, पहाड़ों को काटा जाता है, जिसकी वजह से उन पहाड़ों की नींव जो है या उन पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, जिसका खामियाजा वहाँ पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो डोडा में हो रहा है,
जो रामबन में हो रहा है और अब बाकी इलाकों में भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की त्रासदी जो है, इस तरह के मंजर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो इन इलाकों में गई है, सर्वे कर रही है, उनकी तरफ से जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने जांचा है वो खबर आना बाकी है, उनकी तरफ से रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन साफ तौर पर अलर्ट तो रहना होगा प्रशासन को भी और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ लगी होती है उनको भी, और जो सर्वे की टीम होती है उन्हें भी ज़रूर देखना चाहिए कि जो काम किया जा रहा है क्या इससे आने वाले समय में कुछ इस तरह के हालात तो नहीं देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से पहाड़ जो हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो टूटेंगे, नीचे धंसने लगेंगे और साथ ही जो रहने वाले लोग हैं उसके बाद वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।